हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेतल शर्मा पे। और आज मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ टनकपुर का श्री मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के। ये देखिए, ये है श्री मुक्तेश्वर महादेव मंदिर टनकपुर का। जैसा कि आप सभी को पता है, भगवान शिव का महीना सावन शुरू हो गया है। भगवान शिव का महीना पूरे देश में एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना बहुत ही पसंद है। लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, उनके लिए यह जो महीना है सावन मास का महीना बेहद ही खास होता है। लोग तरह तरह के जजन करते हैं ताकि वह भोलेनाथ को खुश करके अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकें। ये देखिए, ये हैं श्री राम भक्त हनुमान जी। आदिशक्ति माता, ये देखिए।
अगर आप सावन का व्रत करते हैं तो सुबह उठकर हमें स्नान करना चाहिए और विधि विधान से पूजा पाठ करें। और शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा करते समय हमको हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह है शिवलिंग। और ये हैं भोले बाबा और पार्वती माता। भगवान शिव की पूजा करते समय हमको भांग हो गया, धतूरा, बेलपत्र, सफ़ेद फूल, शहद, फल आदि अर्पित करने चाहिए। हमारे उत्तराखंड में सावन का जो महीना है ये लोगों को बहुत प्रिय है और जहाँ भी शिवालय होते हैं शिवालयों में भक्तों की काफ़ी भीड़ होती है और कई ऐसी जगहें हैं, ज़िले हैं जहाँ सावन मास के महीने में मेला भी होता है। जैसे अल्मोड़ा में मेला होता है सावन मास के महीने में। और सावन के महीने में मांस, मदिरा, पान का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
आज मैंने आपको दिखाया टनकपुर का श्री मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।